अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज जो है बहुत 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 खुशी की खबर है कि हमारी रानी कबूतरी ने अंडा दे रही है फिर से। पहले वाले बच्चे तो उनके फुल बड़े हो गए थे, फुल फुल दाना खाने लग गए हैं और रानी कबूतरी ने दे दिया फिर से अंडा। और अभी जो है चलते हैं मिनी जू में, आपको दिखाते हैं कंडीशन क्या है, क्योंकि रात को बारिश भी बहुत ज़्यादा तेज़ हुई है और मिनी जू में फुल जो है ना पानी की वजह से चिक्कड़ हुआ हुआ, बहुत बुरा हाल। मैं दिखाता हूँ आपको जी, चेक करें ज़रा, फुल जो है ना नीचे गंद वगैरह है। इधर तो कुछ ज़्यादा ना, क्योंकि रात को इधर इकट्ठे होते हैं ये, इधर भी फुल गंद बचा हुआ है ये सारा। अभी जो है मैं आपको क्लीन कर लेता हूँ, क्लीन करने के बाद आपको मिलता हूँ और आपको दिखाता हूँ अपने रानी कबूतरी का अंडा। इधर जी माशाल्लाह से फाइनली जो है हमने अपने मिनी जू की सफाई कर ली है। अभी जो है इनको दाना डालती है, इनका सुबह का नाश्ता माशाल्लाह से। एक साइड पर धूप का कर दी है हमने सेटअप, एक साइड पर जो है अच्छा हूँ, जहाँ मर्जी जाएंगी माशाल्लाह से। अभी जो है सबसे पहले इन्हें परात में जो है रोटी के टुकड़े डाल देते हैं माशाल्लाह से, बाकी बॉक्स में दाना डाल देते हैं, सारा दिन खाते रहेंगे। आ जाओ भाई, आ जाओ आ जाओ। माशाल्लाह से फुल शौक से खा रहे हैं ये अपना दाना। चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक लाजमी कीजिएगा। आपको अपनी रानी कबूतरी का अंडा दिखाता हूँ, हो सकता है उसने दूसरा अंडा भी दे दिया हो। उसके बाद जो आपको अपने पिजन्स और डक्स का दाना वगैरह डाल लेंगे। और चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। जो नया घर आता है, जिन्होंने ऑलरेडी चैनल सब्सक्राइब किया, उनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ मैं। माशाल्लाह से पहले जो है रानी कबूतरी का केज उधर कॉर्नर पे था, उसके बाद रात को बारिश काफ़ी हुई है, उधर पानी थोड़ा थोड़ा आ रहा था चींटे वगैरह में कि अंडा ख़राब ना हो जाए, इसलिए मैंने केज को कर दिया सामने की तरफ, वहाँ वो ईजिली बैठी हुई है। तो मैंने कल देखा था शाम के टाइम इसका अंडा, तो मैं क्या सब व्यूवर्स को दिखाऊँगा मैं कि हमारे केज में न्यू बेबी पिजन्स की एंट्री होगी 20-22 दिनों के बाद। तो पहले जो इनके बच्चे हैं, एक वो ऊपर खड़ा है तो एक वो नीचे है, और सेम टू सेम में अपने जो है ना मेल जैसे हैं, अपने बाप जैसे हैं ये मेल कबूतर। आपको मैं नज़दीक से दिखाता हूँ इनके अंडे, हो सकता है दूसरा अंडा भी दे दिया हो। इसमें दूसरी रानी हमारी बैठी हुई है ये अपने एक अंडे पे, दूसरा अंडा तो नहीं पड़ा हुआ। तो मेरा ख्याल है आज ही, आज शाम तक या कल दे देगी, कल इंशाल्लाह होगा, आपको दिखाऊँगा मैं कल वाले भी लोग में माशाल्लाह। अभी जो है दूसरा अंडा जब ये दे देते हैं ना, तब ये अच्छे तरीके से बैठते हैं अपने एक्स पे माशाल्लाह। अभी जो अपने पिजन्स को दाना डालते हैं, फिर बेबी डक्स को डालेंगे। जो भाई सुबह का नाश्ता आ गया आप सबको, सबके सब देखा काफ़ी भूखे थे सुबह, एक चूजा भी एंट्री मारने लगा अपने कबूतरों के अंडों के। इधर जी माशाल्लाह से फुल शौक से खा रहे हैं हमारे पिजन्स अपना दाना, और वो सामने वाली हमारी रानी देखो अपने अंडे पे बैठी है, वो नहीं अंडे छोड़ के आई अपने। इधर वाली जो हमारी एक फीमेल है ना अनारकली, वो अपने अंडे छोड़ के खाने लग जाती है दाना माशाल्लाह। लोगों को आ गया खाना, माशाल्लाह से फुल शौक से खा रही है डक्स हमारी। चिंटू हमारा पानी के लिए आ गया, आजा आजा पी ले पानी चिंटू। सबसे पहले चिंटू हमारा आता पानी पीने, आज जो उसका फादर आ गया साथ में, ये वाइटी हमारी पानी पी रहा है। हाँ तो वाइटी कैसा है पानी,
ये हमारे न्यू बेबी पिजन। चलो भाई वो पीते रहना सारा दिन पानी अपना। इधर हमारे चिक्स ने भी तकरीबन दाना फिनिश कर दी है, इधर से भी उधर से भी, इधर थोड़ा अभी पड़ा हुआ है। डक्स को भी अपना पानी डाल देते हैं, अभी भी डाल देते हैं अपने डक्स को पानी। पीलो 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 माशाल्लाह। इनके जो है बर्तन के उधर कॉर्नर में कर देते हैं। साइड भी हो जाओ, साइड भी हो जाओ। हमारे तो गाइज ये थी मेरी आज की वीडियो। वीडियो अच्छी लगे लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। दुआ में याद रखिएगा और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का आज़ाद जरूर कीजिएगा आपको मेरी वीडियो कैसी लगी। आपके लिए इतना ही, अब दें ज़्यादातर अपने अली भाई को। अल्लाह हाफिज़।